हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे रूट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर कंप्यूटर और लैपटॉप। इसे करने के लिए आपको बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप बॉटम तक स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो वहाँ आपको बिल नंबर शो होगा। इसे 7 से 8 बार टैप कीजिए। टैप करने के बाद एक पॉपअप शो होगा जिसमें लिखा है नाउ यू आर ए डेवलपर। तो बैक जाइए। अब सिस्टम में आपको एक डेवलपर ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक कीजिए, इसे ऑन कर दीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। अब यूएसबी डिबगिंग को सर्च कीजिए, वहाँ पर टिक मार्क कीजिए। तो अलाउड यूएसबी डिबगिंग के लिए पूछेगा, आप ओके क्लिक कर दीजिए। आपका पहला स्टेप क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा फ़ोन रूटेड है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में एक फ्री एप्लीकेशन है रूट चेकर, आपको यहाँ पर लिखना होगा रूट चेकर। जो पहला रिजल्ट आएगा आप उसे ओपन कर लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं आप इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ओपन कर रहा हूँ। आप इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपसे ये वेरीफाई रूट के लिए पूछेगा, मुझे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछेगा। वेरीफाई रूट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऐसा मैसेज शो होगा अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है। मेरे में नहीं रहा इसलिए ऐसा शो होगा। तो उसके बाद आपको एक किंग रूट नाम से एप्लीकेशन, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे इंस्टॉल कीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल ब्लॉक खोलेगा तो आपको एक सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी में अननोन सोर्सेज को परमिशन ग्रांट करनी होगी, क्योंकि एक थर्ड पार्टी ऐप है। परमिशन देने के बाद आप इसे दोबारा इंस्टॉल कीजिएगा। सिंपल प्रोसेस है, इंस्टॉल कर दीजिएगा। किंग रूट इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको सभी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को क्लोज करना होगा। तो जैसा कि देखिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद आप किंग रूट एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। तो देखिए मुझे बता रहा है कि रूट एसेज नॉट अवेलेबल, तो इस आपको गेट नाउ पर क्लिक करना है। तो अराउंड 1 मिनट लगता है दोस्तों इसे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। इसके बाद आपका फ़ोन रूट हो जाएगा। अगर पहली बार ट्राई करने पर ऐसा ना हो, आपका फ़ोन रूट ना हो, तो आप दोबारा से सेम प्रोसेस को ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपका फ़ोन रूट हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सेफ प्रोसेस है। अगर आप अपने फ़ोन को अनरूट करते हैं तो आपकी जो वारंटी वॉइड हो जाती है रूट करने के बाद, वो वापस मिल जाएगी। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये अभी रूट सक्सेसफुली शो कर रहा है। आपका फ़ोन अब कम्प्लीटली रूट हो चुका है। इसे कंफर्म करने के लिए आप सेम वे में रूट चेकर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। और अब वेरीफाई रूट पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, एक डायलॉग ओपन हुआ है, इसे अलाउ कर दीजिए। तो अभी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका फ़ोन रूट हो चुका है। देखिए तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।